नमस्कार किसान साथियों, आज के कुछ किसानों की प्याज की फसल को लेकर किसानों की एक डिमांड थी कि प्याज का जो इस समय जो मार्केट है में जो भाव कैसे चल रहे हैं। दिल्ली में दिसंबर महीने में जो निकलने वाला प्याज था वो जनवरी महीने में निकलेगा, तो इस बार जनवरी महीने में निकलने के कारण प्याज में तेज़ी का भाव हो सकता है, क्योंकि नेफेड का जो प्याज है वो बहुत ही ज़्यादा स्टॉक है, तो वो दिसंबर तक प्याज को ख़त्म हो जाएगा और कुछ मात्रा में प्याज ख़राब हो जाएगा, तो उस समय जो प्याज की डिमांड होगी एक महीने का जो अंतराल रहेगा, तो उस समय प्याज के भाव क्या हैं और क्या चल रहे हैं वो बताऊँगा किसान भाइयों। और साउथ के प्याज की अभी क्या स्थिति है, प्याज की क्या स्थिति चल रही है, दिवाली तक प्याज में तेज़ी आएगी या नहीं आएगी, इस बार नेफेड अपना प्याज इतना लेट क्यों उतार रहा है मार्केट के अंदर वह भी बताएंगे। वर्षा ऋतु की वजह से इस बार जो प्याज लेट हैं, राजस्थान के अलवर ज़िले की बात हो या नासिक वाला प्याज हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो, पूरे भारत में इस बार प्याज जो लेट हैं तो उसका जो प्रभाव है वो क्या पड़ने वाला है वो भी हम बताएंगे। अब जो 3-4 दिन जो बारिश का दौर चल रहा है जिसकी वजह से पर जो प्याज की फसल है उसकी क्या स्थिति है और उससे आगे आकर क्या प्याज के ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ने वाला है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको के साथ साझा करूँगा। तो किसान भाइयों, पहला जो हमारा सवाल था कि दिल्ली में अभी प्याज के भाव क्या चल रहे हैं, तो जो अच्छा जो प्याज है उसके 18 रुपये से लेकर 20 रुपये तक जो न्यूनतम मूल्य है वो प्याज का चल रहा है। जो दूसरी हमारी किसानों की बात थी कि साउथ में प्याज की स्थिति क्या है, तो किसान भाइयों इस बार साउथ में जो प्याज की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय और बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि प्याज की इस बार साउथ में बरसात की ऋतु की वजह से प्याज बहुत ही ख़राब हो चुका है, प्याज की भयंकर तरीके से प्याज इस बार ख़राब हुआ है, तो इसका जो प्रभाव है वो भी हम आगे बताएंगे कि इससे इस बार प्याज में बढ़ोतरी होगी या फिर क्या होने वाला है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और हमारा तीसरा जो मुख्य बिंदु है, दिवाली तक तेज़ी आएगी या नहीं आएगी प्याज के अंदर, तो किसान भाइयों दिवाली तक तेज़ी नहीं आएगी, क्योंकि नेफेड अभी तक बाज़ार में अपना प्याज नहीं उतारा है और किसान भाइयों के पास भी अभी प्याज बकाया पड़ा है, बहुत सा प्याज स्टोर करके किसान भाई रख रखे हैं और व्यापारी वर्ग भी रख रखा है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्याज अभी रुका हुआ है। वो की बात करें तो 1 से 1.5 या 2 महीने तक तो उस प्याज से ही वही बाज़ार में आएगा और नया प्याज आएगा, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, नया प्याज जो है उसकी जो भाव है उसकी हम आगे बात करेंगे कि नए प्याज पर, नया जो प्याज है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और वो हमारे आगे जाके जो किसान अब जो किसानों का जो प्याज निकल आएगा जो दिसंबर महीने में निकलता है, लेकिन इस बार जो लेट की वजह से इस बार जो प्याज है वो 1 महीने जनवरी तक प्याज सभी जगह निकलेगा, तो इस लेट की वजह से प्याज में उनसे बढ़ोतरी आ सकती है, तो उसकी भी हम चर्चा करें। तो अगला हमारा जो बिंदु है कि नेफेड जो प्याज को कब उतारेगा, तो किसान भाइयों इस बार प्याज को लेट कर रहा है, लेकिन 20 तारीख तक, इस महीने की 20 तारीख के बाद नेफेड बाज़ार में अपना प्याज को उतारने वाला है, और नेफेड के पास अभी बहुत ज़्यादा प्याज का स्टॉक है, तो ये दिवाली तक भी स्टॉक ख़त्म नहीं होगा। अगला जो हमारा बिंदु था कि प्याज में तेज़ी बनेगी तो कब बनेगी, तो प्याज में तेज़ी जो बनेगी तो इस बार प्याज लेट होने की वजह से प्याज के अंदर जो तेज़ी है वो दिसंबर महीने में जो निकलने वाला प्याज था वो जनवरी महीने में निकलेगा, तो इस बार जनवरी महीने में निकलने के कारण प्याज में तेज़ी का भाव हो सकता है, क्योंकि नेफेड का जो प्याज है वो बहुत ही ज़्यादा स्टॉक है, तो वो दिसंबर तक प्याज को ख़त्म हो जाएगा और कुछ मात्रा में प्याज ख़राब हो जाएगा, तो उस समय जो प्याज की डिमांड होगी, एक महीने का जो अंतराल रहेगा तो उस समय प्याज की डिमांड अधिक होगी, तो प्याज का भाव इस बार तेज़ होने का बहुत ही 90% चांसेज है। तो इस बार जो प्याज है वो लेट होने की वजह से, 1-1.5 महीने लेट होने की वजह से इस बार जो प्याज के अंदर है वो जो भाव के अंदर बढ़वार है वो तेज़ी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी, इस बार किसानों को बहुत ही फ़ायदा हो सकता है अगर किसान भाई इस बार प्याज की फसल लगाई है। तो अब बात आती है कि कहीं कहाँ प्याज का जो है, अगला बिंदु जो है कि कहाँ जो प्याज है वो इस समय हर जगह प्याज जो है वो ले समय का जो समय अवधि है समय जो वो किस तरीके से चल रही है, तो नासिक का जो प्याज है वो भी इस बार 1-1.5 महीने लेट है, और अलवर का जो प्याज है वो भी 1-1.5 महीने लेट है, और साथ ही में जो मध्य प्रदेश का जो प्याज है वो भी इस बार लेट है, तो सभी लेट होने की वजह से प्याज में इस बार बढ़ोतरी बहुत देखने को मिल सकती है, 1.5 महीने का जो अंतराल है वो इस बार प्याज को बढ़ा सकता है, तो किसानों के लिए खुशखबरी है कि इस बार प्याज बढ़ सकता है।
अब दूसरी बात है कि नेफेड जो है वो हमारा प्याज को कब उतारेगा अपने प्याज को, तो नेफेड है वो इस बार 20 सितंबर तक प्याज को उतारेगा। इस बार 1 सितंबर को प्याज को उतार देता है, लेकिन इस बार 20 दिन लेट उतार रहा है। प्याज की भरपूर मात्रा में प्याज ख़राब हो रहा है, लेकिन फिर भी नेफेड इस बार लेट कर रहा है। तो नेफेड का ये जो कारण है, ये प्याज को कम करने का कारण है कि जो किसान भाइयों के जो प्याज उगाया है उसको ये है ना, वो बहुत ही कम कर सकता है, क्योंकि जितना लेट नेफेड उतारेगा उतना ही किसानों को बहुत ही नुकसान देखने को मिल सकता है। क्योंकि नेफेड का जो प्याज है जो ख़त्म होगा स्टॉक, तभी किसानों को फ़ायदा मिलेगा। तो नेफेड इस बार थोड़ा लेट कर रहा है, और बताया जा रहा है कि दिल्ली की जो मुख्य खबर है तो वो बताया जा रहा है कि 20 तारीख तक नेफेड प्याज को मार्केट में उतारने वाला है। अब जो बरसात का जो समय चल रहा है, जिसकी वजह से प्याज कितने ख़राब होंगे, ये जो भविष्य में तय करेगा कि जो दो प्याज के कितने भाव बढ़ने हैं। लेकिन जो इस समय जो देश आंकड़े को हम देखते हैं, तो इस बार प्याज का जो भाव है वो गत वर्ष से जो है वो तेज़ी का भाव है, और अवश्य किसानों को इस बार मुनाफा मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? मैं ऐसी जानकारियाँ किसानों के लिए जो न्यूज़ है वो जानकारियाँ, वो सभी प्रकार की जो प्याज की जानकारी हो या फिर फसल वर्गीय जानकारी हो, वो सही सटीक जानकारियाँ सभी के साथ साझा करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें किसान भाइयों तक, ताकि सभी को सूचना पता चले, जो देश भर की सूचना है वो सभी को जानकारी पता चलती रहे। तो मिलते हैं हम ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए।